समाज ने नगीना में बता दिया कि कौन सही है कौन गलत है। समाज ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना चेहरा अपना नेता मान लिया है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से होगी, हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, बीच में कोई नहीं है। फूलपुर में फूल की नसबंदी हम कर देंगे। दलित कभी याद नहीं आता, दलित सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। देखिए वो तो बैसाखी नंदन है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ बैसाखी नंदन है, और बैसाखी नंदन को कितना भी नहला धुला के साबुन से खूब सफाई उफाई करते रहो, घोड़ा नहीं बन सकता। ठीक, तो बैसाखी नंदन है। दूसरी चीज़ मैं आप फिर से कह रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जमीन से पैदा हुए हैं, और जमीन से पैदा हुए हैं समाज ने मानोर कांसी राम साहब का उत्तराधिकारी जमीन से पैदा हुआ मान लिया, और उसको बहन जी कागज़ पर लिख के बता रही हैं, और वो तो इतना बड़ा योग्य व्यक्ति है कि वो पढ़ता है, अगर उसको जय भीम भी बोलना होता है तो पढ़ता कागज में पढ़ता कहता जय भीम ऐसे बोलता है। और 2024 में जो उपचुनाव होने जा रहा, हम तो एक सीट का प्रमाण पत्र लेने का इंतजार कर रहे हैं, विधानसभा का एक सीट हम जीतने जा रहे हैं। वह कौन सी सीट है सर? जो मैं मीरापुर मुजफ्फरनगर का प्रमाण पत्र बद हमें लड़ने बदे नामांकन करने जा रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए 101% हम जीतने जा रहे हैं मीरापुर मुजफ्फरनगर। ठीक, आज़ाद समाज पार्टी में जोश तो बहुत है लेकिन जानकारी नहीं रहती है कार्यकर्ताओं को या युवाओं को। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप लोग देख रहे हैं द बहुजन नामा और भीमराज दस्तक। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ संत रविदास मंदिर में सोहतिया बाग में, और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, आइए वहाँ जानते हैं। सर स्वागत है आपका द बहुजन नामा और भीमराज दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई रवि जी, आप तो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और सबसे पहले मैं अपने इन साथियों से, ये जो हमारे सब साथी बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं इस देश के सबसे बड़े नेता बहुजन समाज के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, और भीम आर्मी के संस्थापक, हम लोग अपनी तरफ से एवं इलाहाबाद जिला प्रयागराज मंडल के तरफ से उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, और समाज को भी और समाज की तरफ से भाई को भी कि इतनी प्रचंड जीत आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले बहुजन समाज के लोगों ने पहला खाता खोलने का कामयाबी हासिल की नगीना लोकसभा 5 नंबर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रचंड जीत दिलाकर। जीत को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी मतलब उत्साह है, और आगामी चुनाव को लेकर भी मतलब कि रणनीति बना रहे हैं, तो आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है सर? जैसे कि अभी उप चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर क्या रणनीति है? आप मेरा इंटरव्यू कई बार ले चुके हैं, और जब आप लिए थे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2024 में जीतेंगे ही नहीं, साथ ही साथ दाएं बाएं भी लोग जीत के जाएंगे उनके सहयोगी। मैंने ये नहीं कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी से जीतेंगे लोग, और दाएं बाएं से जीत करके भाई के सहयोग से पप्पू यादव बिहार से आ रहे हैं, और आपके राजस्थान से बेनीवाल जी आ रहे हैं दाएं बाएं भाई के सहयोग में। सदन में भाई की आवाज़ जब चलेगी तो उनके दाएं बाएं लोग भी रहेंगे, और 2027 में फिर मैं एडवांस कह रहा हूँ आपसे, 2027 में हम हाफ सेंचुरी पार करेंगे विधानसभा में 2027 में। बहुत बड़ा क्या कहते हैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं सर इसको लेकर आप? ये चैलेंज नहीं है, ये जो युवा शक्ति है, ये जो नौजवान हमारे साथ हैं, ये जो इनके अंदर जोश जज्बा है, चाहे वो ऋषि राज हों, चाहे मुकेश वाल्मीकि हों, चाहे दिनेश पाल हों, चाहे हमारे बीच में आज़ाद जी बैठे अखिलेश जी, चाहे इधर वर्मा जी हों, चाहे हमारे साथ इधर टीटी साहब हों, तमाम हमारे साथी इधर बैठे, अनिल जी बैठे हैं, शक्ति प्रकाश बैठे हैं, आपके हमारे बीच में बौद्धाचार्य जी, सुशांत जी बैठे हुए हैं, ठाकरे जी बैठे हुए हैं, ठाकरे दो ही हुए, एक ठाकरे वहाँ थे, एक ठाकरे हमारे पास हैं है? तो सभी लोगों की जो इधर हमारी साथ में हमारे समाज में दो श्रद्धा हैं और पुष्पा गौतम हैं, ये महिला शक्ति भी हमारे साथ है, तो सभी लोग हैं, तो हम अपनी ताकत के साथ कह रहे हैं, ये मैं कम बता रहा हूँ।
अगर हमारी वाणी गलत होती तो बताइए, भाई के साथ अकेले नहीं मैंने दाएं बाएं कहा था जीत के आए। जी जी बिल्कुल। और पार्टी में मैं जब बोल के आया नगीना में कि हम हाफ सेंचुरी क्रॉस करेंगे, तो हमारे लोग ही मुझे देख रहे थे, तो हाफ सेंचुरी 27 में क्रॉस करेंगे। और 2024 में जो उपचुनाव होने जा रहा, हम तो एक सीट का प्रमाण पत्र लेने का इंतजार कर रहे हैं विधानसभा का। एक सीट हम जीतने जा रहे हैं। वह कौन सी सीट है सर? जो मैं मीरापुर मुजफ्फरनगर का प्रमाण पत्र बदे हमें लड़ने बदे नामांकन करने जा रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए 101% हम जीतने जा रहे हैं मीरापुर मुजफ्फरनगर, ठीक। और एक सीट का प्रमाण पत्र हम लेने का इंतजार कर रहे हैं, एक हम जा रहे हैं पटक करके भी आते हैं भाजपा वाले को, दो हमारी हो जाएगी मिनिमम। तो कम से कम हम 2-3 सीट तो हम जीतने जा रहे हैं विधानसभा में, और बाकी जितनी सीट पे हम जाने जा रहे हैं, हम किसी भी सीट पे हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से होगी, हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, बीच में कोई नहीं है। जो दलित समाज को जाति के आधार पे मारा पीटा कुचला जा रहा, सताया जा रहा, हत्या की जा रही है, अगर इसकी आवाज़ पूरे देश में कोई लड़ने का काम कर रहा है, या बहुजन की आवाज़ कोई इस देश में बन गया है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बन गए हैं। और मैं अपने समाज से कहूँगा कि वे जो ये कर रहे हैं, हम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें शक्ति प्राप्त करनी होगी, सरकार बनानी होगी, तो जिसकी सरकार होती है उसके समाज को कोई पीड़ित नहीं करता है। शक्ति और सरकार मनुवादियों के हाथ में है, और अगर आप शक्ति अपनी पैदा नहीं करोगे, सरकार अपनी आप नहीं बनाओगे, तो फिर आपके समाज में ऐसे इज्जत लूटी जाएगी, बलात्कार होगा, आँख निकाल ली जाएगी, जीभ काटी जाएगी, तो ऐसे ही हम हर चौराहे पर चिल्लानेंगे, चिल्लाने से कुछ नहीं मिलना है। अपनी ताकत बना के बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट से अपनी सरकार बनाइए। आप देने वाला जब समाज बन जाएंगे, तो यही जो काम करने वाले कान लोग हैं, ये आपका जूता उठाने का काम करने काम करेंगे, ये कारवां हमें पैदा करना है। अभी जो संविधान बचाने वाले लोग थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उन्होंने जब क्या कहते हैं इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे साहब को बनाया, जो कि बताया जा रहा था कि दलित परिवार से हैं, और जब विपक्ष का नेता बनने की बात आई तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बनाने की बात की जा रही है, तो ये दलितों के साथ एक बहुत बड़ा झलावा इस प्रकार से कहा जा सकता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं दो बात कहूँगा, चूँकि आज़ाद समाज पार्टी में जोश तो बहुत है लेकिन जानकारी नहीं रहती है कार्यकर्ताओं को या युवाओं को, उसकी वजह क्या है कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए संघर्षों सब कुछ आता है। मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, पीछे बैक फ्लैश में ले जाऊंगा बैक में। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हटा के जब चुनाव आना हुआ, देशमुख को हटा करके, जिसका बेटा फिल्मी दुनिया में नचनिया गवनिया है, नाश्ता कास्ता है, उसका पिता आज दुनिया में नहीं है, तो उसको देशमुख को, वो हमारे अच्छे मुख्यमंत्री भी थे, ऐसा नहीं है, तो वो उसको हटा करके सुशील सिंधे को बनाया कांग्रेस ने, चुनाव लड़ने के लिए चेहरा बनाया, तो सुशील सिंधे मुख्यमंत्री बन गए। और जब सरकार बन गई तो फिर सुशील सिंधे को हटा दिया गया, सिर्फ चुनावी के समय ले आते हैं, चुनावी जुमला होता है इनका मनुवादियों का। सरकार बन गई तो पुनः ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग आ जाते हैं, ये खेल वहाँ हुआ। दूसरा खेल क्या हुआ, जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव आया, अरे पंजाब में, दलित कभी याद नहीं आता, दलित सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, तो चरनी को मुख्यमंत्री बनाए। जब चरनी को मुख्यमंत्री बनाए तो चरनी को निपटा दिए ईवीएम से, तो वहाँ फिर इन लोग को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दलित पिछड़ा इनके आँख में चुभता है। जब चुनाव आते हैं तो ये चुनाव के लिए एक चेहरा रखते हैं, गुलाम रखते हैं, और गुलामी से सिवा कुछ नहीं, ये उसी उनके यहाँ रहेंगे। जैसे गांव में सामंतवादी जिस गांव में होता है, वहाँ पे दलित पिछड़ा वही प्रधान बन सकता है जिसके अपना दिमाग न हो, जिसके पास अपनी जबान न हो, जो अपने आप कोई काम कर न सके। वहाँ का सामंत अपना हरवाह चरवाह को बना करके इन आरक्षित सीटों पे खाना पूर्ति करता है, और प्रधानी अध्यक्ष ही अपने आप चलाता है। तो इस देश की परंपरा है, इस परंपरा को तोड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई है, और आज़ाद समाज पार्टी में ये जो नौजवान है, जो हमारा क्रांतिकारी, हमारा संघर्षशील साथी है, जब ये उफान मार रहा है, जब इसके हाथ में बागडोर आएगी, तो तब ये पता चलेगा ये बोलने वाले लोग हैं, ये न्यायप्रिय लोग हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये अपने साथ भी न्याय करेंगे और उन समाज के साथ भी न्याय करेंगे। अन्याय न ये सहेंगे, न अन्याय किसी के साथ करेंगे।
आप देखिए कि जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव नहीं जीते थे तो भाई के साथ भी चरित्र हनन का प्रयास किया गया और भाई को तमाम तरीके की चीज़ें अपमान करना पड़ा। ये वही भाई हैं, आज भाई का बड़प्पन देखिए कि 20-20 पुलिस वाले 250 से ज़्यादा लाठी मारे और शरीर में 206 हड्डी होती है, 206 हड्डियों को तोड़कर 602 हड्डी कर दिए, लेकिन भाई उन्हीं पुलिस वालों के लिए, भाई की मानवता है, भाई का बड़प्पन है कि आज तक ले इस देश में पुलिस वालों को कोई भी आवाज़ नहीं लिया। भाई ने कहा कि पुलिस भी हमारा इंसान है, चूँकि काम का प्रेशर बहुत होता है तो उनको भी 8 घंटा की ड्यूटी मिलनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, वो भी इंसान है, उनको भी इंसानियत का जीवन जीना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे चंद्रशेखर भाई ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके बारे में भी सोचा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय इस प्रदेश और देश की बागडोर का नेतृत्व भाई के हाथ मिलेगा तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मुझे भाई के स्वभाव को पता है कि भाई ने जो 8 घंटा का ड्यूटी किया है, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो भाई अपने कलम से पुलिस वाले भाइयों के साथ भी न्याय करने का काम करेंगे इस देश और प्रदेश में। जिस राजनीतिक घर से आपने अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किया सर, आज वो ख़त्म होने के कगार पर है या कई लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हींग निकल गई, सुगंध मतलब उसमें सुगंध बची, हींग उसमें है नहीं, तो जो जरा मारा बची हुई 2027 में चली जाएगी, खाली डब्बी रह जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा, डब्बा पलट पलट सब देखेंगे कि यार सुगंध किधर से आ रही, इधर से आ रही, किधर से आ रही है, सोशल तो गायब हो जाएगा। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला कि आकाश आनंद और जयप्रकाश की वापसी होनी चाहिए बीएसपी में, तो अगर जयप्रकाश और आकाश आनंद की वापसी होती है तो उसे आदर समाज पार्टी को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं, क्या एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, वो तो बैसाखी नंदन है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, बैसाखी नंदन है और बैसाखी नंदन को कितना भी नहला धुला के साबुन से खूब सफाई उफाई करते रहो, घोड़ा नहीं बन सकता, ठीक, तो बैसाखी नंदन है। दूसरी चीज़ मैं आप फिर से कह रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जमीन से पैदा हुए हैं और जमीन से पैदा हुए हैं, समाज ने मानव कांसी राम साहब का उत्तराधिकारी जमीन से पैदा हुआ मान लिया और उसको बहन जी कागज़ पर लिख के बता रही हैं, और वो तो इतना बड़ा योग्य व्यक्ति है कि वो पढ़ता है, अगर उसको जय भीम भी बोलना होता है तो पढ़ता कागज में, पढ़ता तो कहता जय भीम ऐसे बोलता है, तो उसको फटा बांस जैसी आवाज़ है, उसको तो किसी प्रकार का तहजीब तमीज नहीं है, तो ठीक है, तो उसको भाई ने भी कह दिया कि अगर उसको कुछ सीखना है तो हमारी भीम आर्मी सिखाने की, पढ़ाने की आर्मी, उसको भीम आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, तो उसको समाज ने जवाब दे दिया। अभी उसने कितना अपशब्दों का प्रयोग किया था भाई के बारे में, और समाज ने नगीना में बता दिया कि कौन सही है कौन गलत है, समाज ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना चेहरा, अपना नेता मान लिया है, इनको खारिज कर दिया है, तो अब ये पन्नों में है, घर पे हैं, इसका कुछ नहीं है। और जो 9-10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, हम बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी बन के आ रहे हैं, वैसे भी बड़ी संसद में बन गए हैं, अब विधानसभा में भी बड़ी बन के आने जा रहे हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपका संदेश देना चाहेंगे? वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, भाई का जोश इतना है, इतना वेग है, भाई के लिए पीछे इतने बड़ा जनसैलाब खड़ा हो गया है कि अभी हम फूलपुर के हमारे विधानसभा के लोग बैठे हुए यहाँ पे हैं, आए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं विधानसभा की हमारी कमेटी बैठी है, तो हम लोग आए हैं 26 तारीख को, यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यक्रम है, हम लोग उसको सफल बनाएंगे, फूलपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होने जा रहा, फूलपुर में फूल की नसबंदी हम कर देंगे, हम फूल की नसबंदी कर देंगे और वहाँ से केतली इतनी बटन दबेगी कि फूल धूल चाट जाएगा, आप जान लीजिए, तो यहाँ तो हम यहाँ खाता खोलने जा रहे हैं, फूलपुर में भी हम लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम जीत के दिखाएंगे और जीतने के लिए हम लोग उतर रहे हैं और ये हमसे लड़ने के लिए उतर रहे हैं। भाई जब आएंगे तो आप देखिएगा कि ये जो दो रंग के झंडे वाले जो और लोग हैं सब हैं, ये सब जब आएंगे तो इनके 1,000, 2,000, 5,000 की भीड़ होगी, यहीं आप देखिएगा 5,000 से ज़्यादा अगर भीड़ होगी तो हमसे आप कहिएगा, और वो भी जो कुछ तो ऐसे उपद्रवी तत्व उनके आएंगे जो बल्लिया तोड़ेंगे, बानरन की तरह कूदेंगे, हमारी भीड़ देखिएगा
कि भाई के लिए लाइन से जहाँ तक आपका कैमरा छोटा पड़ जाएगा, बड़ा कैमरा लेके आइएगा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। ये मोबाइल आपकी छोटी पड़ जाएगी, आप नहीं मोबाइल लेके आए, बड़ा लेके आइएगा कैमरा, तो दूर तक आपको लेना पड़ेगा। जैसे जन सैलाब इतना बड़ा आएगा भाई को देखने के लिए, उमड़ेगा। हम लोग यहाँ अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग भाई को जीत दिला के देखेंगे, भाई की झोली में सीट दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कि फूलपुर की जनता आजाद समाज पार्टी को में विश्वास रखते हुए जीत दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। साथियों हमारे साथ अभी मौजूद थे, आप लोग देख रहे थे, माननीय अनिल गौतम जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के इलाहाबाद मंडल के मंडल प्रभारी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।